मेरे हिसाब से तो बहुत वो बेजुबान, उसे तो खैर किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने प्यार दिया है तो इसलिए उनके पास था। मैंने उसको कैद रखे तो ऐसा नहीं था ना कि किसी को इंसान कैद रखता है, तो अब वो लेकर के गए हैं, अब वो कैद हुआ है। बिल्कुल, तो उसके लिए ज्यादा इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, और इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी, एक बेजुबान पक्षी इंसान से प्यार करता था और उसको अलग कर दिया गया। दर्द इस बात का है कि अब वो कैद हुआ है। इतनी बातें आप सीक्रेट सीक्रेट बता दी, शायद राजन भाई भी भूल गए होंगे। कानपुर भी चलना है किसी दिन, जैसे हमको वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा, हम ले सकते हैं ना एक दिन, तो मैसेज आए क्वारंटीन में देख कर आए कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत परेशान लग रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भैया का भी, जो भी न्यूज मिलेगी एकदम पक्की भैया की मिलेगी, क्योंकि घर के हैं बाहर के। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, कि हमारे साथ है आरी माई और अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा मीटिंग है हमारी, तो सब कुछ आज आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली फटाफट निकलते हैं, सब लोग नहा धो लिए, चाय कॉफी पी लिया, देखिए आरी भाई भी कॉफी के लिए बाहर है, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए भाई। चलिए आपको दिखाते हैं कितने सारे लोग मुझे सेल्फी ले रहे हैं। राजन पंडित का नाम आपने सुना होगा, वो भी मिलने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारस भाई मतलब हमारे आरी भाई से मिलने के लिए राजन पंडित आए। तो फाइनली चलते हैं फटाफट बाहर, कुछ लोग हैं सेल्फी ले रहे हैं। चलिए आपको पूरा दिखाते हैं, व्लॉग में बने रहे, क्योंकि हम आरी भाई के साथ हमेशा रहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग आपको फेक न्यूज बताएंगे ये है ऐसा, बोलेंगे हम चीज रियलिटी दिखाते हैं आपको, तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं फटाफट बाहर और सब कुछ आज आपको दिखाते हैं, बाहर पहुंचे सब कुछ दिखाते। चलो 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 चले चलो चलो। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल पड़े हैं भाई, रात भर रहे थे और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम मीटिंग है और यहाँ पे आरी भाई एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, ये देखिए वाइट पैंट बहुत अच्छी लग रही है भाई आपकी। चलिए चलते हैं बाहर और निकलते हैं भाई, यहाँ चलना है, राजन पंडित आए हैं उनसे मिलना है। चलिए तो फाइनली गाइस अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप में, यहाँ पे गाड़ी का पेट्रोल डलवाया जा रहा है, आरी भाई बैठे हैं तो फटाफट पेट्रोल डलवाते हैं, देन चलेंगे, राजन पंडित भाई आए हैं उनसे मिलना है, तो देखते हैं आज क्या होगा, सब कुछ आज आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है आरी भाई की लाइफ में। रास्ता भटक गए थे, तो देखिए आरी भाई मैप के जरिए पूरा चल रहे हैं, रास्ता बुला दिया था, 3-4 किलोमीटर आगे निकल गए थे क्या आरी भाई। 3 किलोमीटर आगे निकल गए, तो फाइनली बस आ गए, 500 मीटर और है, तो उसके बाद अभी हमारी राजन पंडित भाई से मीटिंग है, तो वहाँ मिलेंगे सब लोग, तो वहाँ कुछ बातें आती होंगी, क्योंकि बहुत दिन से मिलने के लिए उत्सुक थे, तो चलते हैं फटाफट देखते हैं क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे भाई। तो ये आ गए हम लोग अपार्टमेंट में, ये देखिए और शानदार व्यू है ये देखिए गाइस, वाह वाह वाह। चलिए चलिए चलिए, फाइनली आ गए हैं और उसके बाद फिर आपको मिलवाते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग आउट गेट पे आ गए थे, हमें जाना है एंट्री गेट वाले में, तो और हम लोग उल्टा चले गए, क्योंकि हमारा जो लोकेशन था ना वो इसी पे दिखा रहा था, तो हम लोग घुसते चले गए, लेकिन हमें जाना है सामने वाले पे, चलते हैं फटाफट, हमारे धनो चल रही है देखिए, चलो वाह व्यू देखिए गाइस कितना खतरनाक आ रहा है यार सामने का। फाइनली आ गए गाइस, ये देखिए थोड़ा सा आगे लगा दीजिए एंट्री, साथ में चलो। फाइनली गाइस यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है और चलते हैं, हो गया भाई फाइनली गाइस एंट्री हो गई, अब गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलेंगे अपार्टमेंट ऊपर और वहाँ पे हमारा राजन भाई हमारे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं अंदर और क्या होगा सब कुछ आज आपको दिखाएंगे भाई। ऐसे चीजें पर्सनल लाइफ आरी भाई की जितनी भी पर्सनल लाइफ होती सिर्फ मैं दिखाता हूँ भाई, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते खाली वीडियो देखते हैं, वीडियो देख कर चले जाते हैं, तो भाई आपको अपडेट चाहिए उनके लाइफ स्टाइल देखना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो फाइनली गाइस अपार्टमेंट आ गया, ये देखिए इसी में राजन भाई रहते हैं, तो आज उनसे मुलाकात है, तो चलते हैं पूरा मुलाकात करेंगे और क्या क्या बात है सब कुछ आपको डीपली दिखाते हैं भाई, चलिए फटाफट चलते हैं, ठीक। सो फाइनली गाइस हम लोग चल रहे हैं आगे आगे और यहाँ पे सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से चलना है ऊपर। चलिए भाई ये पूरा पार्किंग स्लॉट है और बहुत बड़ी अपार्टमेंट है, ये देखिए सामने, ओ भाई बहुत बड़ा अपार्टमेंट है यार, चलिए। तो फाइनली गाइस हम तो आ गए हैं राजन भाई पर मिलने, राजन भाई कैसे हैं? अरे भाई दिली तमन्ना थी हमारे मिलने की, तो हमारे जो अरे भाई भाई मिलवाए दिए भाई, थैंक यू। तो फाइनली गाइस राजन भाई कैसे हैं? अरे एकदम मस्त। कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? भाई बस बहुत सारा प्यार है, योगी प्यार बना रहे इनका हमारे प्रति, हमारे बहुत दिन हवा चल रही है, तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर बात करेंगे यार, समझ लो हवा चल रही है तो समझ में नहीं आएगी, तो फाइनली दिल की तमन्ना पूरी हो गई, आरिफ भाई का शुक्रिया यार, आरिफ भाई तो मुमकिन है। और यहाँ पे अंशु भाई पीछे खड़े हो, कहाँ चले गए? चलिए चलते ऊपर, ये देखिए अपार्टमेंट कितना खतरनाक है भाई, वो ये देखिए
चलते हैं अंदर। आरिफ भाई बहुत थक गए आज, क्या बता रहे, चलिए आ जाइए। फाइनली गाइस इस सुबह से हम लोग निकले थे और हमने कहा था ना आपको मिलवाएंगे राजन भाई से, तो आरिफ भाई सर हम लोग पूरा आए घूमने के लिए, तो फाइनली चलते हैं फटाफट ऊपर और वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यार, बहुत ज़्यादा गाइस, आप समझ सकते हैं फीलिंग जब कोई इंसान मिलता है अपने बड़े से, तो मज़ा आती है भाई। चलिए सो फाइनली गाइस हम आ गए राजन भाई के रूम पे और आरिफ भाई भी बैठे हुए हैं। तो ये रूम देखिए राजन भाई, कितने सारे फोटो हैं और ये इनकी मम्मी जी हैं और ये देख सकता है ऐसा कुछ रूम है। राजन भाई क्या कहना चाहें, आरिफ भाई वाले क्या कहना चाहें, आप क्या भाई बहुत ही प्यारे इंसान है और मेरी तो मुलाकात इनसे पहली बार हुई है। कब से जानते हैं आप? यार भैया मैं अभी बहुत रिसेंट से, लेकिन बहुत दिल के करीब हो चुके हैं। तो अच्छा इनके जो सारा जा चुका है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दुख है, कैसा ही है क्या गलत भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत वो बेजुबान, उसे तो खैर किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इन्होंने प्यार दिया है तो इसलिए इनके पास था। मैंने उसको कैद रखे तो ऐसा नहीं था ना कि किसी को इंसान कैद रखता है, तो अब वो लेकर के गए हैं, अब वो कैद हुआ है। बिल्कुल तो उसके लिए ज्यादा इंसान इंसान प्यार नहीं करता और इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी, एक बेजुबान पक्षी इंसान से प्यार करता था और उसको अलग कर दिया गया। दर्द इस बात का है कि अब वो कैद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो ऑडियंस है उससे क्या करना चाहिए, आपके ऑडियंस आएगी कि राजन भाई क्या बोल रहे हैं सारस के बारे में, वो जानना चाहती है क्या उन्हें मिलना चाहिए, आगे फ्यूचर क्या आना चाहिए आरिफ भाई हमारे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अब वो तो सरकार ने अपने हिसाब से किया है तो उस पर तो शायद टिप्पणी करना है लोगों के लिए, वो भी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो ठीक करें, वन विभाग की अपनी चीजें हैं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना। आरिफ भाई को नोटिस दिया कि ये सही था? नहीं अब इस पे भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो भी सरकार की सही बात है, कुछ चीज़ पर्सनल होती है, लेकिन इंसानियत का दौर नहीं रहा ये आप समझ लीजिए। अब किसी की अगर हेल्प करते हैं तो उसका सिला ये मिलता है, तो इससे क्या होगा, अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करना चाहेगा वो अब नहीं करेगा, वो डरेगा कि भाई दिक्कत ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान फिर भी मदद करता है, उसके साथ नहीं सही होता फिर भी। मैं इसकी एक मैं भी मिसाल हूँ कि मैंने भी लोगों की बहुत मदद की लेकिन मुझे मिला भी कुछ भी नहीं। आप तो फ्री में कर देते, कोई भी आया भाई चलिए राजन भाई का दिल दरिया है भाई, समझे बहुत हेल्प करते और लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम इनको देखते थे इंस्टाग्राम में और मिलने के बहुत तमन्ना थी हमारे बलराम भाई, और आरिफ भाई के पास रनली कॉल आता है तो बलराम भाई बोलते हैं भाई मिलना है, तो अरे भाई चलो यार अब है तो मुमकिन है तो मिल लेते हैं कि तो भाई नहीं अरे भाई तो सब मुमकिन है, क्या बात कर रहे हैं। अब आ गया हमारा टारगेट यस केजीएफ वाले बलराम भाई मतलब बाबा फिल्म जी। हाँ तो फाइनली गाइस अभी बैठे हुए हैं तो काफी अच्छा लग रहा है, तो अब यहाँ पे फोन आ गया, फोन पे बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अच्छा मैं कुछ कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस से, आप कैसे इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए वो तो उन लोगों का प्यार है, मैं उसे देखिए पसंद क्या होता है, लोग कहते हैं कि पसंद पसंद इंसान की बदल जाती है, लेकिन जो हमारे लोग हैं हमारी फैमिली वो प्यार, वो उनका प्यार कभी बदला नहीं। मैं कहीं भी रहा, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो लोग उसमें भी साथ रहे, तो वो पसंद नहीं था प्यार था। तो अच्छा आपके हेटर्स भी होंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको नहीं, उनको नहीं, जो भी हेटर्स है उनको प्यार, उनको प्यार करते हैं, उनको बहुत सारा जो हेटर से ना काम कर प्यार करते भैया, भले वो हेट करते लेकिन आपको देखते तो हैं। देखिए हम भाई चर्चा में तो लेके वही आते, बिल्कुल सही कहा, सही बात है, चर्चा तो उनके लाड लो, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल जरूरी है। क्यों क्या होता है भाई, हेटर्स सबसे पहले आपकी वीडियो देख क्या हो गया सबसे पहले क्लिक करेंगे। अब जैसे मान पठान मूवी थी, जितने हेटर्स थे वो सबसे पहले टिकट घर में गए, टिकट लेके सबसे पहले गए, ये हमने देखा था, ये अच्छा हम मैं भी गया था देखने, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैं हेटर्स वेटर्स बिल्कुल नहीं था, मूवी थी हाँ एंटरटेनमेंट वाली सीन था भैया, होने के लिए मैं गया हुआ था, तो मैं देखा मेरे पास बहुत लोगों क्या है कि ऐसा फलाना धमाका, तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तुम लोग जो सोच के चलते मैं बिल्कुल उन्हें चलता है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे लिए सब बराबर है और सबका प्यार मैं चाहता हूँ और मेरा प्यार सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, बाकी कौन क्या सोचता है क्या कंट्रोवर्सी लेकर के मेरे ऊपर आता है या इसे मैं कुछ ज्यादा मुझे लोग टारगेट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा चिल लाइफ जीता रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात। अरे भाई आप कब से जानते हैं इनको, क्योंकि आप जब से मैं खड़ा हूँ इतनी बातें आप सीक्रेट सीक्रेट बता दी, शायद राजन भाई भी भूल गए होंगे ये बात है, कब से जानते भाई, बहुत दिन फॉलो कर रहे हैं जब टिकटॉक चलता था, तो भाई मुझसे पहले से जानते हैं हमारे आरिफ भाई, बहुत टिकटॉक करते ही चुपके चुपके दिन राजन के खेत में जाके रिसीव करते थे, ये सब बातें होती है जो कोई आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि सीक्रेट बातें होती है और सब कुछ सबके साथ एक्सप्लेन नहीं की जाती, समझ रहे, खास लोग के साथ शेयर की जाती है। सबसे बड़ी बात पता है
राजन भाई का राजन भाई यहाँ तक आने के लिए भाई बहुत पापड़ मिलने पड़ेंगे। हम सोच रहे थे मिल लेंगे इम्पॉसिबल नहीं है, और ये थोड़े सोचे थे कि बेड में आराम से बैठेंगे ये। और भाई आप लोग रास्ते में राजन भाई मिलेंगे। भाई राजन भाई हाँ दिखा देंगे, चलो भाई ठीक है। तो आप लोग रील्स देखते होंगे, लगता होगा यार राजन भाई यार बहुत ज्यादा घमंडी होंगे यार, इतना घुसते हैं दिखाते हैं, लेकिन लिटरली में गाइस देखने में और रियल में भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्या हकीम नहीं हो क्या? क्या और क्या? अरे क्या? जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होना तो चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, है कि नहीं भैया? बिल्कुल भैया, बस यही चीज है। तो गलत जो करेगा तो उसके साथ गलत होगा, उसके लिए राजन भाई जानते कौन है फिर? बाकी जो अगर अच्छे हो तो भाई दिल सीना फेफड़ा सब फेंक देगा। तो फाइनली गाइस ठीक है, अभी यहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद आपसे मिलाते हैं, क्या सीन है? ठीक है, तो ऐसा करता आपको मजा आ रही होगी, ठीक है मजा आए तो फिर। तो फाइनली गाइस जा रहे हैं राजन भाई के बारे में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर, जल्दी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अरे हाँ यार, सब भाई सब लोग मिल रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम लोग सब लोग। नमस्ते दीदी, नमस्ते। चलिए गाइस निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस मिलकर, जैसा कि आपने देखा तो ऐसा होता है। चलिए अभी कहाँ चलना है? अभी चलो हाँ निकलेंगे ना हम लोग, चलो तो गाइस निकलते हैं, आरिफ भाई को भी विदाई देते हैं फटाफट, चलो बैठो। फाइनली गाइस आरिफ भाई जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर, एक दिन पूरा रात में थे, फिर जल्दी मुलाकात करेंगे, क्योंकि आरिफ भाई को जाना कुछ बड़ा मुलाकात करनी है, उसके बाद कानपुर भी चलना है किसी दिन, जैसे हमको वहाँ से आर्डर आ जाएगा, हम ले सकते हैं ना एक दिन, तो हम ऐसे जाएँ क्वारंटीन में देख कर आएँ कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत परेशान लग रहा है हमको। चैनल सब्सक्राइब नहीं करती? हाँ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भैया का भी, क्योंकि एकदम जेन्युइन न्यूज़ मिलती है यहाँ पे। हाँ जो भी न्यूज़ मिलेगी एकदम पक्की भैया की मिलेगी, क्योंकि घर के हैं बाहर के हैं। तो फाइनली आरिफ भाई विदा लेते हैं, यार रोना आ रहा है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो चलते हैं गाइस फटाफट, पूरा बहुत ज़्यादा मज़ा किया राजन भाई के साथ, आरिफ भाई के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ा, तो आरिफ भाई भी बोल दिए यार करो फटाफट, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और फिर यार रमज़ान भी चलना है मुझे यार, नमाज भी पढ़नी है, तो फटाफट निकलते हैं। चलिए आरिफ भाई जाइए, ठीक है ओके बाय बाय। चलिए आरिफ भाई गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, हमारी गाड़ी यहाँ पर, चलो चलो भाई, चलिए भाई, अरे वाह।